हम आज जो बात करने जा रहे हैं वो है ऑप्टिकल आइसोमर्स हमने स्ट्रक्चर आइसोमर्स का के बारे में पता करा वहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं थी क्यों नहीं थी क्योंकि हमें पता चल रहा था ये दोनों कंपाउंड अलग अलग है स्ट्रक्चर फार्मूला देख के लेकिन जब हमारे को ऑप्टिकल आइसोमर्स की बारी आई तो हमारे दोनों स्ट्रक्चर फार्मूला सेम मॉलिकुलर फार्मूला सेम तो हमें कैसे पता चलेगा डिफरेंस कुछ है या नहीं है तो किसी ने हमें कहा कि थ्री जो डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला है वो अलग है तो मैंने कहा मैं थ्री डी फार्मूले को कैसे टू डी में देखूंगा मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा मतलब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट टास्क था कि क्या थ्री डी फॉर्मूला चेंज होने से ऑप्टिकल आइसोमर्स किस तरह से बन रहे पहला टास्क था और दूसरा डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा ये हमारे लिए बात थी आ रही है बात समझ में तो सबसे पहले जो कंसेप्ट सामने आया वो ये था कि ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग हो वो कार्बन कायरल कार्बन कहलाता है और उस कायरल में एक विशेष यानी स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है जिस कारण वो दो तरह के अरेंजमेंट रखता है और दोनों ही तरह के अरेंजमेंट थ्री भी देखने के बाद ही पता चलते हैं और वो एक दूसरे के साथ अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं और हमारे लिए क्या कहलाते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स इस तरह से हमारे पास बनता है मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आया कि ये कहना क्या चाहते थे मैंने मॉडल्स की सहायता ली फिर मुझे कहा ये कार्बन दिख रहा है बीच वाला मैंने कहा टेट्रेडल है हा यानी मेरे दिमाग में पहली चीज सेट हो गई टेट्राइडल क्या सेट हो गया टेटाइडल बाद में कुछ रूल टूटते हैं कुछ नए रूल बनते हैं लेकिन शुरुआत में जो रूल बन रहे वो तो यही था टेट्राइडल कार्बन ऑप्टिकल आइसोमरीज देते हैं दूसरे वाले के बारे में कुछ कहना अभी संभव नहीं है तो ठीक है तो ये एक तरह से नॉन प्लेनर कंपाउंड था चारों वैलेंसी अलग अलग एक पिंक ग्रीन वायलेट वाइट इसमें भी ग्रीन पिंक, वाइट इस तरह से चारों था मैंने दोनों को एक तरह से पकड़ने की कोशिश करी मैंने कहा ये देखो कितना इजीली मैंने पकड़ लिया वाइट वाइट पिंक के नीचे पिंक आने दिया मैंने लेकिन क्या ग्रीन के नीचे ग्रीन आ रहा है नहीं आ पा रहा यह आ रहा है आ रहा है तो यानी ये अगर ऐसा हुआ कि वाइट के नीचे वाइट पिंक के नीचे पिंक ब्लू के नीचे ब्लू और ग्रीन पिंक ग्रीन के नीचे ग्रीन हर चीज सिस्टमेटिक है थीके? तो इसका मतलब ये दोनों कंपाउंड आइडेंटिकल है ये क्या है आइडेंटिकल है लेकिन अगर किसी ने कोई भी एक पेयर चेंज कर दिया जैसा आप यहाँ सामने देखेंगे मेरे साथ सिर्फ एक पेयर मुझे लगा अब भी कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा तो वाइट के नीचे वाइट पिंक के नीचे पिंक लेकिन आप ग्रीन के नीचे ब्लू नहीं आ पा रहा ग्रीन के नीचे ग्रीन नहीं आ पा रहा मैं लाने की कोशिश करता हूँ तो फिर और व्यवस्था बिगड़ जाती है तो यानी आप सिर्फ दो चीज़ें मैच कर पा रहे हो वाइट एंड ग्रीन तो पिंक और ब्लू आपस में मैच नहीं हो पा रहे हो पा रहे नहीं हो पा रहे तो ये अजीब सी व्यवस्था थी मुझे पहली बार एहसास हुआ अरे हाँ यार कुछ तो गड़बड़ है यानी कि थ्री के अंदर अलग अलग बिहेवियर होना हमारे लिए कुछ ना कुछ ऑप्टिकल आइसो जनरेट होता है तो ये हमारे दिमाग में पहली चीज आई तो अभी मेरे दिमाग में दूसरा क्वेश्चन आया चलो सपोज एक सेकंड के लिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती भी होगी तो वो तो तब समझ में आएगी जब हम थ्री वाला बनाएंगे डायग्राम और हमारे पेपर में टू डायग्राम लेते हैं उसे थ्री में बनाना हमारे लिए क्या है इम्पॉसिबल है तो मैंने कुछ साइंटिस्टों का सहारा लिया जो ने 3D को 2D में समझाने में हमारी मदद की ठीक है इनमें हमारे तीन साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा उठकर आए एक था फिशर प्रोजेक्शन एक था न्यूमान और एक था हॉर्स इसके अलावा एक और होता है सो हॉर्स सॉलिड डैश लाइन तो मुझे जो सबसे अच्छा लगा शुरुआत में वो था सॉलिड डैश लाइन और फिशर ठीक है मैं एक काम करता हूं हर एक को फिशर की तरफ ले जाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि फिशर आपका आई रिप्रेजेंटेशन है इन सब में पक्का आपने चार पढ़ लिए सॉलिड डैश फिशर सो हॉर्स न्यूमान ठीक है तो हमारा आर्टिकल जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज होगा तो पहला आर्टिकल उसमें होगा रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड उस रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आप मुझसे इन चारों का एक दूसरे में कन्वर्जन पढ़ेंगे फिर जाके आपको ओआई समझ में आएगा शुरू में नहीं आएगा हमारा हेडिंग क्या रहेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज में सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी थ्री कंपाउंड को कैसे हम टू में रिप्रेजेंट करते हैं ये हमारा मेन आर्टिकल होगा तो हम अपना हेडिंग थोड़ी देर के लिए चेंज करते हैं